हे गाइस, व्हाट्सअप, कैसे आप सभी? वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण। तो फ्रेंड्स, आज हम सोल्व करने वाले हैं कंप्यूटर का एग्जामिनेशन पेपर। ये 2017 में आया था और चलिए देखते हैं कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और उनको कैसे सोल्व करना होता है। ओके, चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा, वो आएंगे सबसे पहले वस्तुनिष्ठ पर्सन, ये रहे आपके सामने। और पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कंप्यूटर की विशेषताएं है, इनमें से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता है? गति, ऑप्शन नंबर बी शुद्धता, सी स्मरण, या ये सभी। तो आपको पता है कि कंप्यूटर की विशेषताएं क्या है, कि वो बहुत गति से काम करता है, उस वो एक्यूरेसी उसकी बहुत ज़्यादा होती है और मेमोरी भी होती है उसके अंदर। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, ये सभी। ओके, समझ आया आप सबको? अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये है क्वेश्चन नंबर 2। कंप्यूटर का वर्गीकरण आधारित होता है, कंप्यूटर का वर्गीकरण आधारित होता है किस पर? देखते हैं, विकास पर, क्रियाकलाप पर, सॉफ्टवेयर पर, या ये सभी। तो कंप्यूटर का वर्गीकरण होता है विकास के आधार पर। ओके, अगला देखते हैं, विंडोज माइक्रोसॉफ्ट इनमें से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए ग्राफिक्स पर आधारित एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, या ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है, या फिर उपयुक्त दोनों है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा सी, विंडोज माइक्रोसॉफ्ट ये दोनों ही सिस्टम होते हैं। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, विभिन्न प्रकार के नेटवर्क को एक दूसरे से जोड़ने के लिए विकास हुआ है, किसका? लैन का, लोकल एरिया नेटवर्क का, वैन का, वाइड एरिया नेटवर्क का, या फिर इंटरनेट का, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है कि इंटरनेट क्या काम करता है, नेटवर्क को एक दूसरे से जोड़ने का काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, एमएस एक्सेल है, इनमें से एमएस एक्सेल क्या है? वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट प्रोग्राम, एनिमेशन प्रोग्राम, या ये सभी। तो एमएस एक्सेल क्या है, एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। ओके, स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। आगे आ जाते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। सबसे पहला आता है इनमें क्वेश्चन नंबर 6, कंप्यूटर का पर किसका सिद्धांत लागू होता है? तो कंप्यूटर पर गणना एवं तर्क का सिद्धांत लागू होता है, गणना एवं तर्क का सिद्धांत। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7, इनपुट डिवाइस का क्या कार्य है? देखते हैं, इनपुट डिवाइस वे डिवाइस होते हैं जो हमारे निर्देशों को कंप्यूटर के मस्तिष्क यानी सीपीयू तक पहुंचाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, कंप्यूटर प्रोसेसिंग की स्पीड किस में मापी जाती है? तो ये आप सभी जानते होंगे कि मेगा हर्ट्ज में नापी जाती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, कंप्यूटर की द्वितीयक मेमोरी क्या है? कंप्यूटर की द्वितीयक मेमोरी रोम होती है, रीड ओनली मेमोरी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, वास्तविक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? तो एल्गोरिथम ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ता और हार्डवेयर के बीच संबंध या संवाद का कार्य करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, नोटपैड क्या है? तो नोटपैड एक साधारण लेकिन उपयोगी टेक्स्ट एडिटर है जो विंडोज़ के हर संस्करण में सम्मिलित होता है। नोटपैड को प्लेन टेक्स्ट फाइल खोलने, पढ़ने, बनाने में सहायता करता है, या उसकी सहायता ली जाती है। ओके, आगे आ जाते हैं सेक्शन नंबर 3, लघु उत्तरीय प्रश्न। सबसे पहले पूछा गया कि मल्टीमीडिया क्या होता है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक बार आपको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। मल्टीमीडिया एक माध्यम होता है जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार की जानकारियों को विभिन्न प्रकार के माध्यमों जैसे टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, ग्राफिकल एंड एनिमेशन आदि का संयोजन करके दर्शकों तक पहुँचाया जाता है। यह दो शब्दों से मिलकर बना होता है, मल्टी प्लस मीडिया। मल्टी का अर्थ होता है बहु और मीडिया का अर्थ होता है माध्यम। ठीक है, समझ आया आप सभी को? आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, वेब ब्राउज़र क्या होता है? उत्तर इसका, वेब ब्राउज़र द्वारा गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, याहू
आदि के द्वारा कार्य किया जाता है। एक बार और देखिए क्या पूछा इसमें, वेब ब्राउज़र क्या होता है। वेब ब्राउज़र द्वारा गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, याहू आदि के द्वारा कार्य किया जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, विंडोज़ में नया फोल्डर किस प्रकार बनाया जाता है। देखते हैं विंडोज़ में नया फोल्डर बनाने के ये कुछ स्टेप्स हैं, मैं आपको बता दूं। एक तो माउस को राइट क्लिक करें, सबसे पहले क्या करना है, माउस को राइट क्लिक करें, फिर मेन्यू बार में न्यू ऑप्शन सेलेक्ट करें, फिर न्यू ऑप्शन में मेन्यू से न्यू फोल्डर से ओके करना है, तो हमारा नया फोल्डर बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है, कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार बताइए। किसी संस्थान के प्रबंधक को समय पर सूचना प्रदान करने के लिए कंप्यूटरिंग उपकरणों का उपयोग किया जाता है, जैसे लोकल एरिया नेटवर्क अथवा वाइड एरिया नेटवर्क अथवा फाइल सर्वर। तकनीक उपयोग कर आजकल अधिकतर सूचना प्राप्त की जाती है, जैसे नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। इनकी शॉर्ट फॉर्म क्या होती है आपको पता है, कौन बताएगा? चलिए ठीक है, आप सही कह सोच रहे हैं, लोकल एरिया नेटवर्क लैन, मेट्रोपॉलिटन इसको बोलते हैं मैन, आगे है वाइड एरिया नेटवर्क वैन। ओके, आगे देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा गया है, सर्च इंजन से आप क्या समझते हैं। तो सर्च इंजन द्वारा आप किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कुछ सर्च इंजन के नाम हैं जैसे याहू और गूगल एक्सेट्रा। ठीक है दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सिस को समझाइए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सिस क्या होता है? तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सिस में आप डाटाबेस द्वारा टेबल भी बना सकते हैं और अन्य कार्य भी कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 जो लास्ट क्वेश्चन है और इसमें 25 नंबर का पेपर है ये, तो 18 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 18वां क्या पूछा, ऑनलाइन कम्युनिकेशन क्या होता है। ऑनलाइन कम्युनिकेशन वह संचार प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम इंटरनेट के माध्यम से एक स्थान एक साथ कई व्यक्तियों से बातें करते हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं, जैसे इसके उदाहरण है फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम एटसेट्रा। ये तो आप सबको पता है, आप सब यूज़ भी करते होंगे, तो ये ऑनलाइन कम्युनिकेशन के साधन होते हैं। आपको ना अगर कोई भी चीज़ पूछी जाए उसका एक दो एग्जाम्पल अगर आपको पता है आप बिल्कुल लिख के आइएगा, उससे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है कॉपी पर और अच्छे मार्क्स भी गेन हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ। ओके, थैंक यू।